एसटीएस ऑनलाइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टैली में डे बुक में बहुत सारा ट्रिक्स देखने वाले हैं। ऐसा ऐसा ट्रिक्स देखने वाले हैं जो आप शायद पहले नहीं देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ टैली ओपन कर लिए, और जब हम बात डे बुक की कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम सोच रहे हैं कि आपको एंट्री करने आता है तो ही तो डे बुक में जाएंगे। चलिए सीधा हम चलते हैं यहाँ से। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, डिस्प्ले, और डेबुक के लिए हम डी प्रेस कर सकते हैं। देखना डी डी, तो कुछ एंट्री हम पहले से कर रखे हैं, ये सारा एंट्रीज है। तो आज हम इसमें बहुत सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है, पेमेंट है, रिसीट है, सेल है, परचेज है। यदि मुझे सिर्फ कॉन्ट्रा ही देखना हो तो यहाँ पे एक चेंज वाउचर दिया हुआ है, F4, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट हम कॉन्ट्रा ले लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए अब मुझे सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे कोई और वाउचर लेना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज वाउचर पे आ जाएंगे, यहाँ F4 पे। अब मुझे लेना है पेमेंट, तो यहाँ पेमेंट कर लिए। फिर चेंज वाउचर पे आ गए, अब मुझे लेना है रिसीट, तो रिसीट ले लिए। मुझे सारा वाउचर चाहिए तो यहाँ से ऑल ले लिए। तो ये समझ गए। अब मुझे यहाँ पे इसको अरेंज करना है वाउचर को, तो इसके लिए F12 में जाना पड़ेगा, यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन, F12। और वैसे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है, क्या क्या शो करना है क्या नहीं। अभी हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे है सॉर्टिंग मेथड्स। तो यहाँ पे आकर हम लोग यहाँ से सॉर्टिंग मेथड ले सकते हैं, जैसे कि इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री लेंगे तो जिस क्रम में हम एंट्री किए थे उसी क्रम में ही आ जाएगा, एंट्री के क्रम में आ गया इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री से। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारा विकल्प है, जैसे कि वाउचर नंबर से, डेट से, अमाउंट से। देखिए वापस से कॉन्फ़िगरेशन में आना है, एंटर प्रेस करना है, और नीचे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिक है, अमाउंट डिक्रीजिंग, जैसे अमाउंट ले लेते हैं इंक्रीजिंग। तो अब देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में अमाउंट आ गया, देख रहे हैं बढ़ते क्रम में आ गया। अगर डिक्रीजिंग लेंगे तो फिर से यहाँ चले आएंगे, एंटर प्रेस किए और यहाँ पे ले लिए अमाउंट डिक्रीजिंग, तो फिर घटते क्रम में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम वाउचर ले रहे हैं, मतलब वाउचर है सारा, और अब हमको यहाँ पे एक वाउचर का कॉपी करना है, किसी एक वाउचर का हमको कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे अजय एंड कंपनी से परचेज कर रहे हैं, तो पहले हम इसको करने से पहले एक काम कर लेते हैं, वाउचर जिस सीक्वेंस में था उसी में कर लेते हैं, जो इसका डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस था। आइए कॉन्फ़िगरेशन में एंटर प्रेस करते हुए आइए, सॉर्टिंग में डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हमको एक कैश परचेज ही करना है, या किसी भी वाउचर का डुप्लीकेट करना है ना। तो हम यहाँ पे अल्ट और टू प्रेस करेंगे, अल्ट और टू। जैसे ये कैश का हम और एंट्री कर रहे हैं, एक इसमें अमाउंट है 1,10,500, पहले वाला वाउचर खुला है, वही वाउचर खुल गया जिस पे क्लिक करके हम अल्ट टू दबाए थे। अब हम यहाँ एंटर प्रेस करके क्वांटिटी यहाँ पे वन पीस कर दिए, इसका भी वन पीस कर दिए, इसका भी वन पीस कर दिए, जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए था इसका हम 5 पीस कर दिए, एंटर प्रेस करिए। तो देखेंगे कि एक और वाउचर वहाँ ऐड हो जाएगा, देखिए एक और वाउचर यहाँ ऐड हो गया कैश का 11,900 का। फिर से करके दिखाते हैं, अभी 11,900 का एक वाउचर है, हम चाहते हैं एक और इसी का डुप्लीकेट बनाए, तो इसी को सेलेक्ट तो है ही है, क्या दबाएंगे, अल्ट और टू। और अभी हम यहाँ पे इसका क्वांटिटी बढ़ा देते हैं आपको दिखाने के लिए, कि आपको वहाँ समझ में आए कि एक वाउचर और आ गया है। कुछ यहाँ 14,800 हो गया। अब आइए फिर से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए एक और वाउचर आ गया, तो इसका मतलब है कि अल्ट और टू प्रेस करके हम लोग वाउचर ऐड कॉपी कर सकते हैं। अल्ट टू से फ़ायदा क्या होता है कि जिस वाउचर पे हम जैसे यहाँ परचेज कर रहे हैं राजू एंड कंपनी से, यहाँ अल्ट टू करेंगे तो यही वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए अब यदि हमको पार्टी का नेम चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, आइटम चेंज करना है, तो हम सारा कर सकते हैं। या फिर हमको यही एक एंट्री और करना था सेम सेम, तो कंट्रोल ए कर लेंगे, तो एक यहाँ पे एंट्री बढ़ जाएगा। देखिए एक एंट्री बढ़ गया है ना, देखिए 96,000 का एक एंट्री पहले से था और 96,000 का एंट्री एक और आ गया। उसी तरीके से
अगर हमको इसमें से किसी भाउचर को डिलीट करना है, हटाना है, नहीं चाहिए मुझे, तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हम इसी का यूज करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे डिलीट के लिए अल्ट डी, तो अल्ट डी करेंगे तो 96,000 का यहाँ जो 2 वाउचर है उसमें से 1 वाउचर अभी हटने वाला है, अल्ट डी देखिए। और इससे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, परचेज का अभी टोटल मुझे मेरे पास कितना वाउचर है, 8 वाउचर है, और अभी हम लोग एक अल्ट डी से परचेज वाला ही मिटा रहे हैं, अल्ट डी एक्सेप्ट कर लीजिए वाई। तो देखिए अब परचेज का कितना वाउचर रह गया, 7 वाउचर रह गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको वाउचर नंबर नहीं चेंज करना है लेकिन वो वाउचर हमको नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमको वाउचर मिटाना नहीं है लेकिन वाउचर नहीं चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल के लिए यहाँ पे देखिए, अब कैंसिल करेंगे तो वाउचर नंबर नहीं मिटेगा, कंटेंट्स हट जाएगा। जैसे परचेज का है 96,000 का, ये सारा आइटम्स था। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं और इसको कैंसिल कर लेते हैं, अल्ट एक्स यस कर दीजिए। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ कैंसिल लिखा गया, तो वाउचर नंबर तो नहीं घटा लेकिन ये वाउचर एक तरह से है नहीं, इसका अमाउंट हट गया, आइटम हट गया, सारा चीज़ हट गया। यदि आपको लगा कि नहीं वापस इस वाउचर को रेगुलर करना है, यूज करना है, तो सो सिंपल है, अब इसको एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पे आप अपना एंट्री कर लीजिए, जो एंट्री करना है अजय से ही करना है या जिससे भी करना था कर सकते हैं। कुछ आइटम दे देते हैं, कोई भी आइटम दे दिए, अभी 5 पीस दे देते हैं, तो फिर से अभी वाउचर ये रेगुलर हो जाएगा। देखिए वापस से वाउचर क्या हो गया, रेगुलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग वाउचर को कैंसिल भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं। कैंसिल देख लिए, डिलीट देख लिए। अब मुझे एक और वाउचर नया चाहिए, ऐड करना है। जैसे परचेज का 7 वाउचर है, एक और हम ऐड करना चाहते हैं, तो अभी हम परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्ट ए करेंगे, देखिए ऐड वाउचर के लिए क्या लिखा है, अल्ट ए, अल्ट ए कर लिए। अब यहाँ पे हम ऐड वाउचर कर रहे हैं, एक नया वाउचर हम ऐड कर रहे हैं, तो परचेज का अभी तक जितना वाउचर था उससे एक और बढ़ जाएगा। कोई भी आइटम ले लेते हैं, 2 पीस ले लेते हैं। देखिए परचेज क्या हो गया, एक नया आ गया, 8 हो गया। तो ऐड वाउचर देख लिए, इंसर्ट वाउचर भी हम कर सकते हैं, अल्ट आई करके इंसर्ट वाउचर कर लीजिए, अल्ट आई। वही बात हुआ, ऐड वाउचर या इंसर्ट वाउचर कोई खास फर्क नहीं है। इंसर्ट वाउचर जहां हम सेलेक्ट करके करेंगे उसके बीच में आएगा। जरा यहां से बाहर निकलिए, यहां पे कर लेते हैं परचेज नंबर, यहां पे 3 के पहले कर रहे हैं, अल्ट आई। और यहां पे एक हम कैसी परचेज कर लेते हैं या किसी पार्टी से कर लेते हैं, अल्ट सी, पार्टी का नाम बना लेते हैं, ABC सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर परचेज, आइटम कुछ भी दे दिए, डेल 1 पीस। अब चल के देखते हैं, तो देखिए ABC का यहीं पे इंसर्ट हो गया। इससे इंसर्ट वाउचर से क्या हुआ, बीच में आ जाएगा, ऐड वाउचर करेंगे तो वो लास्ट में आएगा। अगर मुझे यहाँ से कोई लाइन अभी रिमूव करना है टेम्प्रोरली, हम चाहते हैं दिखाई नहीं दे, मिला रहे हैं और ये मिला लिया, हम चाहते हैं उसको रिमूव करें, तो यहाँ देखिए रिमूव लाइन लिखा हुआ है, अल्ट आर। जैसे हम करते जाएंगे देखिए रिमूव होता जा रहा है, मतलब मिलाने के लिए है, ये वापस ला सकते हैं, डिलीट नहीं हुआ है। अगर वापस लाना है तो यहाँ रीस्टोर ऑल है और रीस्टोर लाइन है, तो हम एक ही बार में रीस्टोर ऑल कर देते हैं, तो कंट्रोल यू, डबल लाइन है, तो देखिए सारा सारा आ गया। अब यदि हमको किसी वजह से एक साथ सारे वाउचर को या कुछ वाउचर को, सेलेक्टिव वाउचर को हटाना है, तो सेलेक्ट करने के लिए हम स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, सिंगल को। जैसे देखिए ये सेलेक्ट हो गया, हम नीचे आ रहे हैं एरो की से और स्पेस को दबा रहे हैं, तो वो सेलेक्ट होते जा रहा है। अब मुझे इतना वाउचर अभी फिलहाल हटाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अल्ट आर कर देंगे, तो ये सारा वाउचर रिमूव हो गया। वापस लाना है तो हम फिर से रीस्टोर ऑल कर देंगे, कंट्रोल यू, सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमको सारा सेलेक्ट करना है तो स्पेस के साथ कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देंगे, सारा सेलेक्ट हो गया। अब मुझे सारा रिमूव करना है तो अल्ट आर कर देंगे, सारा लाना है तो अल्ट कंट्रोल यू कर देंगे, सारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे थे कि वाउचर को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना सारा यहाँ सुविधा दिया हुआ है। और भी चीज़ें हैं इसमें, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना सफिशियंट था, वाउचर लाना, मिटाना, ऐड करना, रिमूव करना, है ना, डिलीट करना, सारा चीज़ हम लोग देख लिए। तो फिर इस तरह का ट्रिकी वीडियो हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन में भी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।